Hello everyone, we are back with a new question from class 9th quotient geometry. The adjoining figure shows an equilateral triangle OAB with each side 2A units. Find the coordinates of the vertices of the triangle. So if you look over here, यहाँ पे हमको एक triangle दे रखा है OAB, O origin पे है, AB, OAB एक equilateral triangle है जिसकी side 2A है. तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस के. तो हमें ए के और बी के और ओ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो इफ़ यू लुक, यहाँ पे जो इक्वेटर ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड बराबर हैं. दैट इज़ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी. अब हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और हमारे पास अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए. दैट इज़ ओ सी ए और एक बन गया हमारे पास बी सी ए. इन दोनों ट्राइंगल्स पर अगर हम देखें तो एंगल 1 और 2 हम नेम कर सकते हैं ईच 90. और ये जो ओ ए और ए बी है ये हमारे पास इक्वल है, गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल में. और जो ए सी साइड है इसको हम कॉमन ले सकते हैं. तो बाय आर एच एस वी कैन कंक्लूड दैट ट्राइंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी. ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कोकरेंट प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओ सी और बी सी इक्वल हो गए. दैट इज़ ओ सी और बी सी इक्वल हो गए. इसका मतलब ये 2A की जगह अब हम ओ सी को A लिख सकते हैं और सी बी को हम A लिख सकते हैं. और C से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था A के पास ऊपर, और A से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास ए सी ओ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एंड वी कैन राइट ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो जो ओ ए है उसकी वैल्यू 2A दे रखी है, ओ सी की हमने निकाल ली है, वैल्यू A हो गई है. और यहाँ से हम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर हो गया. तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3A स्क्वायर. तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई A रूट 3. तो हमने यहाँ से ए सी की जो वैल्यू है वो निकाल ली है A रूट 3. अब अगर आप देखें तो ये एक ए सी जो है पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये ए सी A रूट 3 है. तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है. और अगर C के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो C की जो ऑन द x एक्सिस है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको A है. और ये जो ए सी है इसकी जो लेंथ हमने निकाली है अभी A रूट 3 है. तो जो हमारा वर्टेस ए है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा ए एंड कॉमा ए रूट 3. और जहाँ तक ओ ओरिजिन था हमारा उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए. और जो बी है दैट इज़ लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी. दैट इज़ बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2A,0. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द यंग माइंड्स लाजपतकर मुरादाबाद. I hope that you all people are enjoying our presentations and videos by our students. So keep liking our videos and do follow our Facebook page and also subscribe our YouTube channel. We are a unique innovative education and development center where our entire purpose is the development of our students. Thank you very much.